सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी डेट बढ़ गया है। जितने भी लोग मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना में अपना आवेदन नहीं किया है, वो जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि डेट बढ़ गया है। और फ्रेंड्स, जो लास्ट डेट आपको मिला था 30 नवंबर तक भरने का, लेकिन अभी डेट बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सर्वर इतना डाउन था जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया, जिसके कारण डेट को बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी किसानों के लिए। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। सर्वर डाउन होने के कारण भी किसानों ने 29 नवंबर 30 नवंबर को 2 लाख से अधिक आवेदन कर दिए हैं। झारखंड राज्य में अभी 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। सभी किसानों को झारखंड सरकार के द्वारा सूखा राहत के तरफ से 3500 रुपये सभी किसानों को मिल जाएगा। सूखा राहत के लिए 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा सरकार के द्वारा। अगर आपने अभी तक सूखा राहत योजना में अपना आवेदन नहीं किया है, तो किस तरह से किया जाता है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो का आप देख लेंगे, पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगा आपको। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुख्यमंत्री के द्वारा ये सुखाड़ राहत योजना का डेट यानी तारीख बढ़ा दी गई है। अब जितने भी लोग अभी आवेदन नहीं किए, वो 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अभी तक आवेदन नहीं किया, तो 15 दिसंबर आपके लिए टाइम है। 15 दिसंबर के अंदर ही आप अपना आवेदन कर ले, क्योंकि लास्ट डेट जब आता है तो सर्वर इतना डाउन हो जाता है कि उस समय आवेदन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर ले अपना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।